Assalamualaikum and welcome to my channel. आज का जो स्पेशल टॉपिक है वो हमारा वीकली स्किन केयर टिप्स है, जिसमें आपकी वीकली जो है स्किन की आपने केयर कैसे करनी है. और इससे मेरे सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि आपने सबसे पहले अपनी स्किन को मालूम करना है कि वो किस टाइप की है, ड्राई है, नॉर्मल है, या जो भी मतलब आपकी स्किन का टाइप है, ठीक है. सेकेंड बात ये कि जो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि अगर आप लोग मेकअप यूज कर रहे हैं तो अपनी स्किन के हिसाब से मेकअप यूज करें. और अभी मेरे पास एक ऐसी पेशेंट है जिसके ना मुंह पे एक छोटा सा पिंपल था, वो इतना मोटा हो गया, और उसकी वजह क्या थी वो मैं जरूर आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगी. लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं कि स्किन की आपने केयर कैसे करनी है. और ये मैं आपको बताऊंगी कि स्किन की केयर ना करने से ये छोटा सा पिंपल इतना बड़ा कैसे हो गया, वो रीजन मैं आपको जरूर बताऊंगी ताकि आप लोग वो चीज ना करें, वो मिस्टेक ना करें. दूसरा ये स्टेप हमारा ये है कि हमने वीकली ऐसे करना है कि जब आपकी छुट्टी होती है तो उसके अंदर आपने अपनी स्किन के लिए ये देखना है कि जो हम अपनी स्किन पे सोप यूज कर रहे हैं, जो साबुन यूज कर रहे हैं, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप साबुन मत यूज करें. एक दूसरा ये कि अगर आप कह रहे हैं कि हम इतना हैवी और महंगा जो है फेस वॉश यूज नहीं कर सकते, तो उसका बहुत आसान हल है. ये हमारी थर्ड टिप है जिसमें आपने केयर करनी है, वो ये कि आपने जो एलोवेरा जेल होता है वो थोड़ा सा आपने लेना है अपने फेस के ऊपर, हल्का सा उसको मॉइस्चराइज करना है, उसके बाद आपने उसको वॉश कर लेना है. ये हमारी बेस्ट रेमेडी है स्किन केयर की वीकली, आपने इस चीज को वीकली करना है, ठीक है. सेकेंड स्टेप ये कि जब आपने इसको वॉश कर लिया अच्छी तरह से एलोवेरा जेल के बाद, तो उसके बाद आपने अपने स्किन के ऊपर एक छोटा सा मास्क देना है. जो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर है वो मैं आपको बता रही हूँ. आपने एक लेमन का जूस लेना है एक टेबलस्पून. अगर आपको लेमन के जूस से थोड़ा इशू आता है तो आप उसका सब्स्टिट्यूट आप ये कर सकते हैं कि आप 1 टेबलस्पून हनी ले लें, उसके अंदर आप 1 टेबलस्पून जो है दही ले लें. जैसे कि आजकल सीजन चेंज हो गया ना, तो ये बेस्ट रेमेडी है आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए. इसके अलावा आपको बिल्कुल किसी चीज की नीड नहीं है. ये 2 इंग्रेडिएंट्स आपने करने हैं, और जो पहला मैंने आपको बताया ये आपने वीकली करना है. आप उसके बाद रिजल्ट दिखेगा कि आपको नीड ही नहीं रहेगी कि बहुत हैवी आप मास्क लगाएं. और जो अब मैं आपको बताने लगी थी जिससे स्किन के ऊपर नेगेटिव इशू जो हुआ था, वो क्या हुआ था कि एक बच्ची, उसने जो उसके पिंपल्स थे, जो एक्नी थी ना, वो छोटी सी थी, उसके ऊपर जो आप ब्लीच यूज करते हैं ना, कोई ब्रांड की मैं नेम नहीं लेना चाहती, वो ब्लीच उन्होंने लगाई है. और उसके बाद उन्होंने उसको ऐसे करके ना, ब्लीच के बाद जरा सी उनको खारिश सी हुई है, वो किया, वो इतना सा हुआ, वो होते होते इतना मोटा हो गया. और उसका क्या साइड इफेक्ट होता है कि फिर आपको उस पिंपल को रिमूव करके उसे कट करना पड़ गया, ठीक है. तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी ये. और इसके बाद इंशाल्लाह जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि स्किन की आपने जो केयर होती है उसमें क्या क्या आप मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल डैमेज हो जाती है. और मैं अपनी स्किन केयर का भी आपको जरूर बताऊंगी. और इस वीडियो में आपको मेरे ये थोड़ी सी बैंडेज नजर आ रही होगी, मैं इसके बारे में जरूर बता दूं. लोग परेशान हो जाएंगे पता नहीं क्या बाजू पे. एक्चुअली ऐसा है कि मेरी बाजू में ना थोड़ा सा चोट सी इधर लगी थी एल्बो के ऊपर, तो उसकी वजह से मुझे जो है ये बैंडेज ड्रॉप करनी पड़ी है. लेकिन फिर भी मेरे व्यूअर्स जो है वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि वीडियो जो है वो मिस ना हो. तो मैं इस कंडीशन में भी आपके लिए जो है वीडियो मैंने बनाई है. मुझे फीडबैक में जरूर बताइएगा. कमिंग वीडियो में मुझे इसी तरह दुआओं में याद रखिएगा. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.